रात को जल्दी सो जाते हो ये सोचकर कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा, सुबह लेट उठते हो सोचकर कि यार दोपहर में पढ़ूंगा, दिन बहुत लंबा है, दोपहर को मोबाइल पे लग जाते हो सोचकर कि यार शाम को पढ़ लेंगे, शाम तो अपनी है, शाम को अपना टाइम आएगा लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए आएगा या फिर मूवी देखने के लिए आएगा। अरे अभी क्या जरूरी है, अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने में, आपके पापा 40 के हो गए, आपने 20 साल टाइम वेस्ट किया खुद का, बाकी 20 साल और अपनी फोटो एडिट करके डीपी लगाते रहो, तब तक आपके माँ बाप 60 साल के हो जाएंगे। अभी जो आप सपने देख रहे हो कि पेरेंट्स को वहां घुमाने ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कार लूंगा, एसी लगाऊंगा घर में, बैंक बैलेंस रखूंगा, मैं पूछता हूँ कब करोगे मेरे भाई? जो चीज आप एक साल बाद अचीव करके एंजॉय कर सकते हो ना, उसी चीज को अगर 5 साल बाद अचीव करोगे ना तो इतना मजा नहीं ले पाओगे, करवा सकते? समझो इस बात को, ये जो पढ़ाई नाम की चीज है ना, जिसको देखकर आपको लगता है कि ये मेरे सामने पहाड़ है, तो सोचो कि जो मजे है ना जिंदगी के, वो इस पहाड़ के दूसरी तरफ है। अगर आपको अपने हक के मजे और हक की खुशियां, अपने परिवार की खुशियां लेनी है, तो इस पहाड़ को पार करना ही पड़ेगा। बल्कि मैं कहूंगा कि पढ़ाई पहाड़ नहीं है, ये रास्ता है। लेकिन होता क्या है, जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई को छोड़ करके सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पैसे कमाने का लोड पड़ेगा, किताबों में फिर से किस्मत ढूंढने की कोशिश करोगे, दिन भर प्राइवेट जॉब करोगे, शाम को सरकारी की तैयारी करोगे। अगर आपके लिए सरकारी लेना इतना जरूरी है तो उसके लिए अभी से पढ़ाई करो ना यार।